टेम्परेचर में वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस के लो पहले टेम्परेचर के लिए, उसके बाद आता है ऑप्शन में अपना बढ़ गया अपर्चर की तरह होता है या ना अपर्चर की तरह होता है अलग अपर्चर में मैं नेटवर्क ना किसी कभी साइट थी पत्रिका का संपादक रहा मैं बोलते एक लंबे समय तक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट सोशल जर्नलिस्ट के रूप लेकिन साहित्यकारों के और साहित्यिक पत्रिकाओं के संपर्क में मैं लगातार रहा। आज पिछले दो ढाई घंटे से साहित्यिक पत्रिका को लेकर के काफी विचार विमर्श हो रहा है। एक बात हम मान के चले कि हिंदी पत्रकारिता आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसकी बुनियाद मैं मूलतः साहित्यिक पत्रकारिता मानता हूं, क्योंकि मैं लंबे समय तक पत्रकारिता का प्रोफेसर रहा। एक शिक्षक होने के नाते मैंने पिछले 250 साल की इतिहास को पत्रकारिता के इतिहास को जरूर पढ़ा। जैसे कि शुरू में 1790 जेम्स की टाइम्स की चर्चा हुई, फिर 19वीं सदी में जब हम आए तो सबसे पहला जो हिंदी और उससे लेकर जो इतिहास चलता है संक्षेप में सारी बातें बताऊंगा। प्रेमचंद आते हैं, इसके बाद भट्ट आते हैं, सरस्वती आती है, महावीर प्रसाद चतुर्वेदी आते हैं। 20वीं सदी में हम प्रेमचंद को देखते हैं, आपके माखनलाल चतुर्वेदी को देखते हैं, निराला को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम और 1947 के बाद आ जाएं, अभी भी आते हैं। मैं बस एक डेस्क की चाहिए इसे। धर्म भारती आते हैं, काफी लोग आते हैं। तो मित्रों जो आपके इसमें भी थे, इसमें तो कुछ अंतर नहीं। अगर ये साहित्यिक पत्रकारिता या साहित्यकार के हाथों में पत्रकारिता की कमान नहीं होती तो हो सकता है हिंदी पत्रकारिता को ये संस्कार आज नहीं बहुत है ऐसे तो पता नहीं कुछ जो मैं इसको बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव ढंग से देखता हूँ। जैसे वो ना देखो कैमरे में डिपेंड नहीं करता, मतलब उसमें क्या है जैसे वाला लेंस था ना हमारा, जैसे कोई भी पत्रकारिता चल रहा है 2.8 का, क्या साहित्यिक हो भाई तो मुश्किल है, क्या राजनीतिक हो अपने समय की पॉलिटिकल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक आर्थिक, इसे फोकस करना चाहोगे तो राजनीतिक आर्थिक इसे करना चाहोगे इसे बैक को बीच में से हटा दो। हम पत्रकारिता के चरित्र को नहीं समझ भाई, जो चीज पूछी वही बता सकते हैं। पत्रकारिता ये तो जैसे मैं उस टाइम कर रहा था कि भाई चंदा पिछले दिनों तक हम दे रहे हैं और चंदा के जबरदस्ती फैसला आगे खींच के पास मैडम आई थी कैसे सही। लेकिन आपने देखा देख लो ये बीसवीं सदी में, ठीक है अभी मैं यहाँ से जब कर रहा था क्या वजह थी से काम कर रहा था कि प्रतिस्पर्धी साहित्यिक पत्रिका सही है यार ये अच्छे लग रहे हैं उससे हर कोई व्यक्ति धर्मयुग में दिनमान में साप्ताहिक हिंदुस्तान में क्यों कादंबरी में 70 का छपना पसंद करता है डिस्टेंस उसमें उतना एक प्रतिस्पर्धी साहित्यिक पत्रिका पत्रकार के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उसके संपादक बात करते हैं
वेडिंग की बात, वेडिंग में शूट होता है वो किस तरह का होता है? अब गिनती नहीं जिन्होंने डिमांड शुरू किया इसी का के लिए, और इसी तरह से कुछ और भी पत्रिकाएं शुरू हुई अवेलेबल लाइट में है सारे, जैसे हैदराबाद से कल्पना शुरू डांस कर रहा था बबी प्रसाद जी, ये सब यहीं से कराना मैंने इस तरह की ऐसे छोटे छोटे पत्रिकाएं ऐसे बताए श्रृंखला है। अब इसमें दो चीजों को देखा होगा, एक तो प्रतिष्ठानीय साहित्यिक पत्रिका यानी उस समय की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थी, शादी वादी के घर में कुछ तो उसमें कुछ फर्क आता है या ऐसे में उस समय सभी सेटिंग है गांव के काम का कलर है आपको क्या कलर है ब्लू लाइट या माया ब्लू लाइट भी चाहते थे कि एक हमारे पास ऐसी पत्रिका हो जिससे हमें हमारी छवि उजली है, अलग से थोड़ी करना है और बिल्कुल सही दर्द को जो काफी छपे हैं बाकी सब डांस हुआ किलो था डीएसएलआर में अच्छा चार लाख अब ये फिर एक बिगिनर जो मैंने शुरुआत अगर दैनिक अखबार में भी हम लोग के ये मैं 90 तक का क्या ब्रांड है रवि में भी यूज करना है 1990 तक यूज करना है सब जगह यूज करना है एक जैसा भी जब तक तो देखिए 2 लाख तक सब जगह यूज करना है ठीक है उस समय के दैनिक हिंदुस्तान या नवभारत टाइम या राजस्थान पत्रिका या हमारा उजाला नहीं 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 बजट रविवार या संस्करण देखें वर्षीय देखें कोई वो कैमरा तो समय कम से कम 30-40 प्रतिशत साइट रीडर होते हैं ना उनको ये तो एम स्पेशल की तो कमी क्यों है स्टार्टिंग में क्यों उस समय का जो प्रॉफिट मोटिव था मोदी जी जिंदा हुआ ऑनर तो ले रखी है रामानंद जोशी हुआ फिर उससे साप्ताहिक अनुसार से पहले बात की हरि पटाला वॉकर वो लेके आता रेल पे बड़ी चर्चा रही माता के यार ने वो भी फाइव डी की इसी तरह से सारिका कमलेश्वर जी रहे बहुत से रहे इस तो ये एक एक आभा मंडल उस समय के ऑनर को या फिर को चाहिए था वो घटा जाएगा वो अपना प्रॉफिट और वीडियो अंग्रेजी से वीडियो भाई पूरा कर दिया करता था टाइम्स ऑफ इंडिया से हो सकती है इसके मामले इसके मामले इससे तो बहुत अच्छी वीकली ऑफ इंडिया इसमें ये सबसे पूरा कर इसी से रीजनल रिलीज का हम लोग आ जाए हम लोग ज्यादा है आज आज है ये तो ये इनका इनके पास तो बड़ी पूंजी नहीं थी इनको मैं अपनी भाषा में कहूँ एक मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था इसके अंदर लगा हुआ ये तो सबको समझना होगा इस तरह से न्यूज पेपर और इसका मैगजीन था तो चरित्र बदलता था तो उससे पूरा इससे वो क्या कर सके नया एक बड़ा विषय पाठक का एक विशाल संस्था छोटे स्तर था आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पर इसका लागी स्तर पर जिला स्तर पर जनपद स्तर पर जुड़ गया लेकिन कैसे ही एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमी संस्करण भी इतने बड़े नहीं थे बाकी आप डॉक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं नीचे तक हम लोग चले आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 4 महीने तहसील लेवल तक सबसे पहले क्रांति शुरू की इनाडू एक जमाने में इनाडू जो तेलुगु था अखबार है पर मैंने अलग कैंपेन चलाया उसमें तेलुगु साहित्य बड़ा छपा करता था सबसे नीचे छोड़ा अब जब पढ़िए
छोटा सा किताब लिखी थी ना, इतना
सीपीयूएल सबसे बड़ा चेंज आया उर्दू का हुआ था बहुत, जिसको अपन बोल सकते हैं अशोका होटल का पैराडाइज शिफ्ट आया जब हटा फाइव स्टार होटल में एक दिन में प्रभाव सिर्फ खाने का है पर वहाँ पे जो गेस्ट ठहरे मेरे से 25-30 गेस्ट थे 40 गेस्ट थे मेरे बाहर से सोचिए आपको कितने लोग हैं 300 लोग हजार का खाना फिर उन्होंने दो दिन और किया 3 दिन का प्रोग्राम था 2 दिन में ऑडिटोरियम बुक किया ऑडिटोरियम हम लोगों ने रूम लिया 16 अभी क्यों है इसको समझने की जरूरत है कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ साइंस का रंग कोई पोसा है साइंस की संपत्ति को पोसा है कि सब हमारी वजह से ऐसा नहीं है मित्रों आपको विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है उसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से आज पथ का इंडस्ट्री का क्योंकि आप इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेसिकली जैसे कि समीर यंग ने आज से 30 साल पहले कह दिया था कि न्यूज पेपर इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट तो आपको पे फोकस के लिए पर प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं तो आप साइट इस क्षेत्र में नहीं मिलते 4 घंटे का साइट की जा तो कमोडिटी साइट की जा तो प्रोडक्ट आप तो उसके फ्रेम में 4 घंटे 800 फिट होता है कम नहीं 6 घंटे के होगा तो इसी का रेट तो मित्रों जिसमें अगर नरेंद्र मोदी के सोच सोच के लिए वो नहीं दिन रहे सब बार के पैसे के लिए वो नहीं लेता क्यों ये हमारे ये हम इतना जैसे बकुला भी करते हैं भाई चाहो तो तारे आपके लिए यार इसमें से किसी को ये गिन रहे अलग तो पहले जैसे दस दिन सीधे लगाई था कुछ शुरू हो गई है और भावना है तो दोनों के पैसा अंदर आया भी बढ़ेगा तो कहने का मतलब ये कि लघु पत्रिकाओं का जो आंदोलन लघु पत्रिकाओं ने एक साइड काफी हद तक जिंदा रखा इसे हम कंपन ना तो ये 11 घंटे की जिसको कि हम लोग हाथी के लोग हाथी की मानता हूँ कंपनी पे करेंगे कंपनी वाले मार के डाली मार इंसान मार के करेंगे करेंगे भाई चार ये दूसरे हमारे जो 800 की ये हम लोग सुना है कि सभी पत्रिकाएं जिंदा नहीं हैं पर कई जगह से ये ऐसा कहीं से प्रकट कि मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म डेली आ जाओ भाई मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में ये कहीं ऐसी ना ऐसी बैग में रख लो लेकिन टिकट पकड़ आप पास है चलो हम ऐसे चलो इसकी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में मेरी परमानेंट फ्यूचर अरे परमानेंट छोड़ो यहां पर नहीं कर पड़ी तभी बहुत सारे लोग भी जा रखी बता तो जब पलटी हिंदू पलटी यहां दो पेज साढ़े पेज की रिव्यू देना इंडियन एक्सप्रेस में हर सप्ताह एक से डेढ़ पेज रिव्यू पर 1200 रुपए बैठ जाएंगे ये मामूली बात नहीं सुबह के मिले एक बिल्लो बिल्लो इंग्लिश पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट घंटा है सहमत नहीं हूँ
ईटिंग हैबिट नहीं है, फिर उस समय तो फिर काफी आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है सोशल मीडिया में जो ई लिटरेटिव है कि जो आई सही है, मैं नाम गिना सकता हूँ, वो लोगों ने जो नया साइट आ रहा है नई जनरेशन का, हमारी जनरेशन ज्यादा हो रही है, 20 साल 25 साल का 18 साल के लड़की लड़कियाँ जिस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, ब्लॉग के अंदर ये प्रसिद्धता है, उसको हम क्यों कम उसका सही मूल्यांकन होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये एक पैरेलल ठीक लग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांश है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यही ये मैटर करने जा रहा है, तो अगर इसके अनुसार आप अपने को नहीं ढालते हैं तो अपने को कोई जरूरत नहीं मानता है, हम लोग वो चल रहा है हर समय का, अगर आप देखें एस्थेटिक्स की स्पीड को अगर एनालाइज आप करें 6 सेकंड का फर्क आ रहा है, तो इस चीज के बोल रही है हमारी 3000 रुपए लेते हैं, जब देखोगे ना इतनी थर्ड क्लास, तो कहने का मतलब ये जो नए एस्थेटिक्स को आ रहे हैं उन समझ में आता है, देखो कि हम किस तरह से इस एस्थेटिक्स की प्रवृत्ति को पकड़े, तो अपना लाइक तुम चलाई के बारे में तुम ने गाड़ी ले चलाई पर आगे को बहुत बड़ी बात है, लगा के हम इससे क्या जो भी बना है बात तो उसकी बात तो इसकी साइज का काम आई करो, बस आपके साहित्य में वो गूंज है, वो अनुगूंज सुनाई देती है इस समय की, इस समय की क्या क्या है, इस समय के कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है, इससे हमें कॉन्फिडेंस क्या क्या है उसको समझ, अगर वो आपके साइट में सुनाई देंगे तो निश्चित रूप से ऐसा मत सुनिए कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लोग स्वीकार करते हैं, नजर रखते हैं, तब से मेरा तो यही अनुभव है कि आपकी प्रत्येक रचना में लोग व्यक्त करते हैं, कम करेंगे ज्यादा करेंगे ये बात अलग है, लेकिन कष्ट जरूर है, आपको गंभीरता से लिया जाता है, आपको अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए जरूरी है कि आप समय से जुड़े और उसके अलावा नहीं समय के साथ बहन समय के साथ जुड़े उसमें जहाँ जरूरत है प्रतिरोध की जब भूमिका प्रतिरोध के सही चरित्र को पहचाने तब जाकर के मैं समझता हूँ कि हम साइट को जीवित कर सकते हैं, इसको संकट से बचा सकते, संकट तो बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन साहित्य के सामने कभी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि साहित्य पत्रकारिता के सामने हो सकता है, साहित्य के सामने कभी संकट, साहित्य तो एक अनवरत प्रक्रिया है, मनुष्य जब तक मनुष्य है साहित्य है उतना मान के आते हैं, लेकिन पत्रकारिता निश्चित ही एक विधा है और हिंदी पत्रकारिता या कोई भी पत्रकारिता पिछले 30 साल में उसका एक आत्मनिर्भर वजूद हो चुका है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो चुका है, अब वो साहित्य संचालित नहीं हो चुका, अब वो आज के दबाव से संचालित हो चुकी, उसने अपने मीडियम नए मीडियम विकसित कर लिए हैं, क्योंकि अब जैसे आप एक कविता के माध्यम से संपादकीय नहीं, एक बार
मैंने कहा कि एक संपादक की कैसे कविता में लिखा जा सकता है, मुझे एक खबर को आप ये कहीं का कहानी के रूप में लिखने, अगर एक मर्डर हुआ है एक रेप हुआ तो उनको लिखना पड़ेगा उसी ढंग से। हाँ, शब्दों के चयन में आप सावधानी जरूर बरतें, ये मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन साहित्य विचार के हिसाब से आज की पत्रकारिता चलेगी अब समझ लो। अब वो नहीं समझ आ रही, वो 80-90 के बाद डीलिंग कर दिया अब आज की दुनिया ने। देखिए क्या अजीब सा, लेकिन अगर हम लोग नहीं ढंग से अपने को सोचते हैं, नहीं तो रश्मि उसकी बात तक बस लेवल पे, मैं समझता हूँ साहित्य पत्रकारिता सब समय चाहिए। धन्यवाद।